हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, ये आया सरस्वती महिला महाविद्यालय काला वन्यजी या विद्यानायन से, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है ये सिचुएटेड है नागपुर में, और जो सोसाइटी वो सरस्वती बहुउद्देशीय एजुकेशन सोसाइटी। तो ये जो नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सरस्वती महिला विश्वविद्यालय से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोस्टली जितने सब्जेक्ट हाई सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी को निकाला गया है, चाहे आप बात करें इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, केमिस्ट्री, मराठी, इंग्लिश, लाइब्रेरियन, हिस्ट्री, तो मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। वगैरह बात करें पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को निकाला गया और लाइब्रेरियन की पोस्ट को निकाला गया है। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे नेचर ऑफ पोस्ट है फुल टाइम, यानी कि आपकी रेगुलर जॉब है, फुल टाइम परमानेंट जॉब है। और अगर हम बात करें इसकी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट जो इसकी वैकेंसी को निकाला गया है। तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट भी आप मेंशन करी रखी है, फॉर एग्जांपल मैथ में 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है। अब हम बात करें इसका पे स्केल के लिए, तो इसका पे स्केल जो है वो है एज पर यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स अकॉर्डिंग, जो भी पे स्केल होगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए दो एलिजिबिलिटी दे रखी है, एलिजिबिलिटी ए और एलिजिबिलिटी बी। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ए की, तो यहाँ पे आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो 55% मार्क्स का बॉटनी में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया है सेकंड एलिजिबिलिटी है वो है आपका नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपका सीएसआई यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई होना कंपलसरी, तभी आप इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे नेट से एग्जेम्पशन दिया जाएगा, लेकिन आपका जो पीएचडी का डिग्री होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, एटलीस्ट आपका जो थीसिस पीएचडी थीसिस उसे 2 एग्जामिनर्स ने इवेलुएट किया होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो पीएचडी वाई वॉयस ओपन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो पीएचडी वर्क से मिनिमम 2 रिसर्च पेपर जो है आपने पब्लिश किए होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 पेपर आपको जो है कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में प्रेजेंट करने होंगे, ठीक है। अगर आपने किया है प्रेजेंट तो अपने डाटा से, अपने पीएचडी थीसिस से 2 पेपर्स इन अ कॉन्फ्रेंस सेमिनार, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते थे अब उन बच्चों की जो क्या है अब्रॉड से पीएचडी करके आते हैं, तो उसमें क्या है, अगर आपने पीएचडी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से किया है जो टॉप 500 में आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पे क्यूएस, टीएचई और एआरडब्ल्यू, ये तीनों रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिलैक्सेशन की, तो देखिए यहाँ पे जो 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा एससी एसटी डिफरेंशली एबल्ड लोगों को, और जो 3% का रिलैक्सेशन वो रहेगा ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। अब देखिए अब अगर आप फिजिकल एजुकेशन के अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है कुछ फिजिकल टेस्ट देने होंगे, फॉर एग्जांपल मैन की बात करें तो मैन में 12 मिनट्स रन पर वॉक टेस्ट, वुमेन में 8 मिनट्स रन पर वॉक टेस्ट, और अप टू 3800 मीटर्स। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एज कैटेगरी में जो है इन्होंने जो फिजिकल नॉर्म्स है वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग की आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एक प्लेन पेपर पे, ठीक है, प्लेन पेपर में अपना जो भी आपका जो सीवी है वो सारा आपको मेंशन करना है, या आप अपना सीवी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और अलोंग विद आप अपने जो टेस्टिमोनियल से जैसे मार्कशीट हो गया या आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेट सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है अटैच करना है, और जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मर दिया रखा है उस परफॉर्मर को अच्छे से भर के जो है अपने टेस्टिमोनियल्स के साथ सेंड कर देना है 30 नवंबर 2020 से पहले। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी मांगी गई जो कि पोस्टल ऑर्डर की फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ आपको 100 रुपीज का जो है पोस्टल ऑर्डर का बनवाना पड़ेगा, उसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना है। अब जो ये पोस्टल ऑर्डर बनवाना, ये आपको बनवाना इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर के फेवर में बनवाना होगा, ठीक है। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपका सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स और जो ये पोस्टल ऑर्डर मेंशन किया 100 रुपीज का, ये सारा जो है आपको सेंड कर देना है बिफोर 30 नवंबर 2020 को। अब बात करते हैं एड्रेस की, तो देखिए यहाँ पे एड्रेस जो है वो मेंशन कर रखा है, तो आपको अपने सारे टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म और पोस्टल ऑर्डर वो भेजना है प्रिंसिपल ऑफ डीन और डायरेक्टर सरस्वती महिला विश्वविद्यालय काला वनिजिया या विज्ञान नायक लेआउट सनोटाई सैनोर डिस्ट्रिक्ट नागपुर 4-1-1-0-7, तो यहाँ पे जो है आपको सेंड कर देना है।
आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।